नाम है कामजोर। बेटा इसमें एक अमीर घराने का अब्बा होता है जो ये फरमान जारी करता है बच्चों के लिए कि घर का काम वो करेंगे, और बेटा वो जिन उनके घर में जितने भी नौकर होते हैं उनको वो हटा देता है और कहता है कि जितने भी घर में बच्चे हैं वो सारा घर का काम करेंगे, और जो तनख्वाह जो सैलरी हम नौकरों को देते हैं वो सैलरी तनख्वाह हम बच्चों को देंगे अगर वो काम करेंगे। अगर बच्चों ने काम नहीं किया तो उनका रात का खाना बंद कर दिया जाएगा। तो जिससे बच्चे काम करने के लिए राजी हो गए उनको बेटा काम दिया गया, दही ढोना, आंगन से कूड़ा साफ करना और पेड़ों में पानी देना, ठीक है। तो सबसे पहले उन्होंने काम किया दरी ढोना, तो दरी को लेके आए जिसके ऊपर बेटा बहुत सारी धूल मिट्टी जमी हुई थी, तो बच्चों ने उसको चारों कानों से पकड़ा और झटकाया, झटकाने से जो जितनी भी मिट्टी थी वो सारी कहाँ गई, फर्श पर फैल गई। फर्श पर फैलने से फर्श सारा गंदा हो गया, और जिससे कि जो अम्मा थी अम्मा को बहुत ही गुस्सा आया और उसने कहा कि तुमने सारी फर्श को गंदा कर दिया। और बेटा अम्मा को विश्वास नहीं था कि ये बच्चे काम कर लेंगे, उन्होंने अब्बा को भी कहा था कि ये बच्चे काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन अब्बा ने फरमान जारी कर दिया था तो उनका फरमान कोई भी मना नहीं कर सकता था। तो बेटा सारी फर्श पर धूल ही धूल जम गई। तो इसके बाद जो अम्मा थी उन्होंने कहा कि पहले फर्श पर झाड़ू मारती थी और पानी डालता था, तो यही तरकीब उन्होंने जो दरी थी उसके ऊपर कर दी। जो दरी पर धूल थी बेटा वो किसका रूप ले लिया, कीचड़ का रूप ले लिया उसने, क्योंकि धूल बहुत ज्यादा जमी हुई थी, उस पर जब पानी डाला तो सारा क्या हो गया, बहुत ज्यादा कीचड़ कीचड़ सी हो गई। और जब बाल्टियों से डब्बों से सभी से पानी डालने लगे तो बेटा टंकी में एक बूंद भी पानी नहीं छोड़ा बच्चों ने, और सब क्या हो गए, नल के पास ही इकट्ठे हो गए और वहीं पर एक घमासान मतलब एक दूसरे से झगड़ा करने लग गए कि बाल्टी मैं ले जाऊंगा, डब्बा मैं ले जाऊंगा, इस तरह उन दोनों में उन बच्चों में ये बातें हो गई, जिससे अम्मा को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। उसके बाद बेटा उन्होंने जो फर्श जो गंदी हो रही थी उसको साफ करने के लिए उन्होंने जो झाड़ू थी उसको तोड़ दिया, ठीक है, जो झाड़ू थी उसकी जो सीख थी उनको एक एक कर लिया और फर्श पर ऐसे ही मारने लगे, जिससे कि फर्श और भी गंदी हो गई, उस पर पानी और डाल दिया और फर्श गंदी हो गई। उसके बाद बेटा वो कहाँ गए, उसके बाद वो ये काम हो गया उनका, लेकिन ये काम उन्होंने अच्छे से नहीं किया। उसके बाद उन्होंने सोचा कि मुर्गियों को बंद करने के लिए चलते हैं, जो उनके घर में जो मुर्गियां थी उनको बंद करने के लिए चल दिए, लेकिन बेटा उन मुर्गियों को भी बंद करने के बजाय वो मुर्गियां खुली हो गई, मतलब पिंजरे से बाहर निकल गई और वो भी सारे घर में फैल गई थी। उसके बाद बेटा वो भेड़ों को, उनके घर में भेड़ भी थी, तो भेड़ को दाना खिलाने के लिए सोचा उन्होंने कि अब हम भेड़ जो है उनको दाना खिलाने चलते हैं, और जो दुखी भेड़ थी बेटा वो दाने के सूप पर टूट पड़ी, मतलब एकदम से सभी भेड़ों को उन्होंने खोल दिया, उनको चारा खिलाने लगे तो वो सभी एक साथ सूप पर टूट पड़ी, और बेटा जो तरकारी थी उसको खा गई सारी, भेड़े सारी तरकारी को खा गई। उसके बाद बेटा वो भैंस के पास गए, उनके घर में बेटा मुर्गियां थी, भेड़े थी और भैंस थी, ठीक है। उसके बाद वो भैंस के पास गए क्या करने के लिए, दूध निकालने के लिए भैंस के पास गए, और दूध बेटा कैसी बाल्टी में निकाला, तो बहुत ही गंदी सी बाल्टी थी। जब वो बाल्टी लेके भैंस के पास गए तो भैंस ने उनके पैर मारा, जिसे पैर मारा और भैंस खुलकर चली, जब खुलकर चली तो जहां पर भैंस बंधी हुई थी वहीं पर उनके चाचा सोए हुए थे, उस भैंस का जो बेल होती है बेटा उसकी चारपाई से बांध दिया, और जब भैंस भगने लगी तो चारपाई उसके साथ चलने लगी भगने लगी, और जिस पर चाचा सोए हुए थे वो भी उन चारपाई के साथ साथ ही भगने लगे। तब वो चाचा थे वो सोच रहे थे कि ये सब कुछ उसके साथ सपने में हो रहा है, लेकिन बेटा जब उसकी आँख खुली तो उसने देखा कि सपना नहीं है तो हकीकत है। उसके बाद ये सब कुछ अम्मा देख रही थी तो उसने कहा या तो इन बच्चों से काम करवाना बंद करो या नहीं मैं अपने मायके चली जाऊंगी। तो अब्बा ने खेती बारे कहा कि इनसे काम नहीं करवाया जाएगा, नौकरों
वापस बुलाया गया बेटा और उनसे काम करवाया गया और बच्चों को कहा कि तुम कुछ काम नहीं करोगे। और बेटा बच्चों ने भी सोचा कि आज के बाद हिल करके पानी नहीं पिएंगे। तो इसका क्या है, काम चोर है बेटा, लेसन का नाम है काम चोर, मतलब काम से जी चुराना, ठीक है, किसी काम को हाथ न लगाना। तो ये जो बच्चे थे सारे कैसे थे, काम चोर थे, ये किसी भी काम को करने में इनकी रुचि नहीं होती थी और जो भी काम करते थे बेटा सारा उल्टा सीधा ही करते थे। तो ये लेसन बेटा हमारा कंप्लीट हो गया, मैं उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा। थैंक यू।